नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों हम देखेंगे कल के लिए 28 दिसंबर के लिए बैंक निफ्टी पे कहाँ पे हमें बाइक सेलिंग करके चलना चाहिए। तो और दोस्तों यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी बड़ी रैली आप लोगों को ऑलरेडी कल दिखाई हुई थी, उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन का फेज चला है और एग्जैक्टली 430 के लेवल से इसने जो है इसको नीचे की रैली देनी थी, जो कि इसे लेके आती 42,180 के नियर। और यहाँ से बेस्ट बाइक जोन फॉर्मेशन होता तो हमारे लिए बेटर था, लेकिन यहां से मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट देके कंटिन्यू ऊपर की ओर चले गया। और यहां से आप अगर देखेंगे तो मार्केट 42,430 से कंटिन्यू 42,800 टू 900 के लेवल आप लोगों को दिखाया है, यानी 500 550 पॉइंट की रैली आप लोगों को यहां पे आज एंड ऑफ द सेशन देखने को मिल गई है। तो अब कल के लिए क्या करेंगे आप? तो देखिए, मैं तो भाई बाइंग साइड पे जाने वाला नहीं हूँ किसी भी कंडीशन में। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भले बाइंग साइड पे प्राइस एक्शन बेस पे कॉल दी हुई थी और उसमें मैंने भी ट्रेड लिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मार्केट बुलिश लगा मुझे, इसलिए मैं बाइंग में गया। ऐसा नहीं है कि मैं सेलिंग में ही जाऊंगा, अगर मुझे कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, कुछ फॉर्मेट दिखता है, तो मैं वहां से बाइंग जोन में भी एंटर कर जाता हूं। तो दोस्तों अब कल के लिए आपको कैसे ट्रेड करना है? तो कल ऑब्वियसली मान के चलिए 200 से 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गैप अप आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है 42,860 की, तो मान के चलिए आप लोगों को 43,000 के नियर बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिख सकता है। नियर मतलब 42,960, 980, 970 कहीं भी ये ओपन दे सकता है, या 43,000 के नियर आप लोगों को ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो अब आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड करते हुए चलना है? तो दोस्तों इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी बड़ी रैली दी है, तो मैं यहाँ यही चाहूँगा कि 43,072 पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बरकरार रह सकता है। तो 72 के नियर अगर कुछ भी हमें यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखती है, तो यहाँ से हम उसके नीचे जो है यहाँ पे जो है 43,100 की पी को बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से करीब करीब 42,930 तक के लिए हो सकता है। तो देखिए मैं अब बाइंग जोन में एंटर अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ा हुआ है और ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा फिर से एक इसने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है कि सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न है और इसके बाद कल तो मार्केट गैप अप होना ही है ऐसा लग रहा है, और यहाँ से गैप अप होता है तो मैं पी साइड में एंट्री लूँगा और मेरे जो टारगेट रहेंगे 42,930 का, और सेकेंड टारगेट मेरा जो निकल के आएगा 42,670 के नियर का रहेगा। और देखिए इसमें और क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, मैं भी ये चीज़ भी आप लोगों को डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली आप लोगों को बैंक निफ्टी में दिखाई हुई है, तो अब देखिए अब मार्केट गैप अप की बात हो गई और 43,072 से हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो हम वहाँ से बाइंग साइड में तो बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ऊपर जो ओवरबॉट जोन में हो गया है मार्केट, और मैंने आप लोगों को RSI के लेवल भी बताए हुए हैं, और RSI के लेवल आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप मेरे लर्निंग सीरीज की वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाएं, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लर्निंग सीरीज वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे RSI की वीडियो दिख जाएगी, उस RSI की वीडियो को आप देख लीजिए, मार्केट के विषय में सब कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से अब देखिए मार्केट अगर कल मुझे 42,580 के नियर मिलता है तो मैं यहां से एग्रेसिव सेलर बन जाऊंगा। 42,600 के बिलो अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा और जैसे भी पुल बैक पर मैं ट्रेड लूँगा 580 के लेवल को ये काटेगा, तो मैं यहां से एग्रेसिव सेलिंग करूंगा। 42,600 की या 700 की पी को यहाँ पर मैं बाई करके चलूँगा, और जो मेरा पहला टारगेट होगा 42,440 का, और इसके बाद जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है 42,180 का। ये तब की कंडीशन है जब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स एंट्री करेंगे। 42,600 के बिलो अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ से मैं सेलर्स बन जाऊँगा और बहुत तेजी से यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पे अटकने के चांसेस हैं 43,077 के। तो देखिए इसी रेंज में भी रेंज बनी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कल 42,400 टू 43,000
2070 के नियर तक मूवमेंट करेगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएगा। जो भी नए बंदे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर लें। और जिनको टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।